सो हे व्हाट अप यूट्यूब, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय अनदर डेली ब्लॉग। एंड जहाँ से मैंने कल रात को ब्लॉग एंड किया था वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है। एक्चुअली मैं अभी मैं जा रहा हूँ मेले में, क्योंकि आज है मेले का थर्ड डे। सेकंड डे में भी मैं गया हुआ था पर मैंने कुछ शूट वगैरह नहीं किया था, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग बना दिया हुआ है जिसमें बहुत से इश्यूज़ हो रहे हैं। सो वो मैं बाद में बताऊंगा क्या इश्यूज आ रहे हैं उस वीडियो में, क्या नहीं आ रहे हैं। तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूंगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना चुका हुआ है, लोग बना रखा हुआ है दाढ़ी के मेले के बारे में। एंड वहाँ पे लोग घूर घूर के देखते हैं तो मेरे को अच्छा नहीं लगता। फिर ज़्यादा कुछ शूट नहीं करूंगा, मेन हाईलाइट्स ही दूंगा क्या क्या कर रहे हैं हम, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो टिल देन आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। तो अभी पेट्रोल भी खत्म हो गया है एंड पेट्रोल डलवाना भी मेरे को पहले। एंड यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ, 104 पहुँच गया है पेट्रोल। यार मैंने एक वीडियो देखी थी इसमें 115 पहुँच गया था। 121 वाली यार मेरे को लग रहा है 200 रुपये लीटर होगा। पेट्रोल दिन पर दिन महंगा होते जा रहा है, यहाँ पे 105 है एंड मैंने वीडियो देखी थी जिसमें 115 रुपये लीटर था। जस्ट इमेजिन 121 वाली वीडियोस भी आ रही हैं एंड ये हाइक कहाँ तक जाएगी। जहाँ तक भी जा रही है हमारा बेड़ा गर्क होने वाला है भाई। सो एनीवेज मेले वाले एरिया में हम पहुँच चुके हैं। यहाँ पे ट्रैफिक देखो कितनी खतरनाक तरीके की लगी हुई है यार, कैसे निकलूंगा मैं इस ट्रैफिक से। अरे यार आगे से एक और स्कूटी आ गई। अब एक तो आरसी के शीशे भी इतने वाइड है ना, बाहर को निकले हुए हैं, टच हो रहे हैं किसी किसी से। एंड मैं फोल्ड भी नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को पीछे की ट्रैफिक भी देखनी है एंड फ्रंट की भी देखनी है। गलत पंगा ले लिया यार आज। हटो यार, थ्रोटल भी काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो मैं सच में यार ऐसे लग रहा है फुटपाथ पे चले हुए हैं, गलत सीन है। हटो यार, थ्रोटल से काम चला रहा हूँ मैं पर थ्रोटल भी काम नहीं कर रहा बाइक का। क्या हाँ कर रहा है धीरे धीरे थ्रोटल काम, गर्म हो गई है बाइक मेरी पूरी। तो यार गाड़ी के मेले में बहुत क्राउड था एंड थोड़ी देर मैं वहाँ पे घूमा हूँ, ब्लॉगिंग करने का मन नहीं कर रहा था। तो एक्चुअल में मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लगी है और मैं इनको बोल रहा हूँ कि कुछ खा लेते हैं। तो अभी हम हैं कोतवाली मार्केट में एंड वो सामने गाड़ी पार्क कर रहे हैं हमारे लंडे। अब यहाँ पे कुछ खाते वगैरह हैं एंड फिर उसके बाद चलते हैं क्योंकि क्राउड कम हो जाएगा जैसे टाइम होगा, तो उसके बाद चलते हैं मेले में। हम आए विनोद रेस्टोरेंट में यहाँ पे। अब यहाँ पे कराते हैं कुछ ऑर्डर वगैरह करा लिए हैं मैंने, नान के लिए नान और मसाला डोसा। तो मैं भी नान खा रहा हूँ, सो सकते हो रात के टाइम पर हम नान खा रहे हैं। कितनी भूख लगी होगी हमें, तो खाना वगैरह तो खाया है एंड यार बहुत हैवी हो गया है, अब तो लग रहा है गलत खा लिया है। पीछे मैंने दिमाग लगाया अपना, थोड़ा लाइट खाना खाया है। यहाँ पे हम आए एटीएम इस टाइम क्योंकि हमें झूले के लिए पैसे चाहिए और वहाँ पे गूगल पे नहीं चलता है। अब यहाँ पे पैसे वगैरह निकाल रहे हैं पर निकल नहीं रहे हैं। तो आ गए हम वापस दाढ़ी के मेले में और राइड्स वगैरह हमने की नहीं, एक्चुअल में बहुत क्राउड है एंड कल का सीन देखते हैं। अब कल आएंगे वापस से राइड वगैरह करते हैं, दोबारा करेंगे। पर चक्कर ये है कि हमने सोचा था रात को बंदे नहीं होंगे इतने ज़्यादा, पर अभी भी इतनी भीड़ है, क्राउड देखो आगे कितना कितना रश है और बंदे आते हैं यहाँ पे खतरनाक शॉपिंग कर रहे हैं। हमारे शिराज भाई ने बहुत अच्छी शॉपिंग की है। शिराज दिखा दे क्या लिया तूने। पिगी बैंक लिया भाई इसने, पिगी बैंक। अच्छा तो मोटे पैसे कमा लेगा यार सेव कर करके। अब करेगा मोटी वाली पैसा ही पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा होगा। शिराज गोवा का ट्रिप बचा देगा हमें, गोवा का छोड़ो डन डन। अगले 6 महीने तक शिराज इसमें पैसे जमा करेगा फिर हमें गोवा लेके चलेगा। ठीक है तो चल फिर तू भी घर पे। सो मैं वहाँ से भी आ चुका हूँ एंड टाइम इस टाइम हो रखा है 11 बज चुके हैं। अभी मैं घर को जा रहा हूँ, पूरा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ। सब जाके मैं सीधे जाके बेड पे सोने वाला हूँ। तो यार घर आके मैं इतना थक चुका हूँ कि मेरे को इतनी भी होश नहीं रही है कि मैंने फेस वॉश से मुंह अपना धोना था, धो इसलिए हैंड वॉश है। साला ये दुख का खत्म होता बे। सो ऐसी यार हालत हो चुकी है मेरी आज पूरी। एनीवेज इतना थक गया ना मैं, मुंह मैंने धोना फेस वॉश से, हैंड वॉश से धो दिया, जल गया भाई पूरा मुंह जल गया मेरा। एनीवेज अब मैं सोता हूँ एंड कल मिलता हूँ आपको, कंटिन्यू करता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। सो इट्स अ फ्रेश मॉर्निंग गाइस एंड अभी मैं उठ चुका हूँ एंड टाइम हो रखा है 11 बज चुके हैं इस टाइम। एंड आज के प्लान्स भी कुछ ऐसा देखा जाए तो आज भी बहुत गर्मी है एंड शाम के टाइम ही मैं निकलने वाला हूँ। एक्चुअल में आज सीन ऐसा है कि आज है मेरे को एक कॉकटेल पार्टी जो कि रहने वाली कांगड़ा में। जो भी मेरे कांगड़ा वाले फ्रेंड्स हैं वो सारे इकट्ठे वगैरह हो रहे हैं एंड विल पार्टी हार्ड टुडे। सो बस मेरे को वहाँ पे निकलना है एंड 5-6 की बजे मैं यहाँ से निकलूंगा। एनी वेज एंड दिन की शुरुआत करते हैं। बज चुके हैं शाम के 5 एंड इस टाइम मैं निकल रहा हूँ कांगड़ा को, बाइक में जा रहा हूँ एंड तैयार शायद होके अभी सीधे जाके उनके साथ ज्वाइन करते हैं। वैसे तो दूसरों के घर पे मैं वीडियोस वगैरह बनाना पसंद नहीं करता हूँ पर फिर भी आगे के सीन्स देखते हैं क्या रहेगा क्या नहीं। फ्रेंड्स वगैरह के साथ तो मैं शूट करूँगा ही आगे। सो टिल देन मैं आपको अपने मोटर ब्लॉगिंग सेटअप पे मिलता हूँ। सो आगे चले हैं कुछ राइडर्स एंड इनसे पास लेते हैं। Yeah.
आ रहे हैं पीछे, ट्राई कर रहे हैं इनको जाने की जगह दे देते हैं। आये 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 मजा आया, बट पावर नहीं उस बुलेट में यार। वैसे जाना मैंने नीचे साइड है, अब रेस लगाने के लिए मेरे को आगे जाना पड़ेगा और रेस मैं कभी छोड़ता नहीं हूँ। ऐसे मैंने इस रास्ते से जाना था कि चाहते हैं रेस लगाना तो मैं आगे से जाता हूँ, फिर आगे आगे हो जाए आ जाओ, पर देख के अब तो इनका ना हेलमेट नहीं पहने उन्होंने, मेरे को अब डर लगने लग पड़ा इनका। Bottles in the club, shawty on a इसको एक और वीली दिखाते हैं। निकलते हैं सीधे डायरेक्ट कांगड़ा को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ओ ये सो अभी डाल दिया है मैंने बाइक को न्यूट्रल, कि न्यूट्रल इसलिए डाला है, इसलिए नहीं डाला कि मेरे पास पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल बहुत है बट ये ओवरहीट हो जाती है बार बार। इसको ठंडा करने के लिए, कूल डाउन करने के लिए मैंने इसको न्यूट्रल डाल दिया है। न्यूट्रल में मेरे को ज्यादा मजा आता है क्योंकि ये बहुत वाइब्रेशंस देती है मेरी बॉडी को एंड मैं खज्जल हो जाता हूँ इसकी आवाज़ सुन सुन के। फिर न्यूट्रल एकदम से आराम आराम से ठंडी ठंडी हवा में अलग मजा होता है। तो अभी रेस लगी हुई थी जैसे आपने देखा है, मैं रेस वगैरह लगाता नहीं हूँ एंड मैं बहुत पहले ये काम करता था एंड तब से मैंने छोड़ दिए हुए हैं। जो एक मेरा फ्रेंड है उसकी भी डेथ हो गई है इस चीज़ के पीछे, तब से मैंने कसम खा ली थी कि मैं ये सब चीज़ें नहीं ट्राई करूंगा, एक सोवर टाइप में एक नॉर्मल फ्लो में अपनी बाइक को चलाऊंगा। कोई कोई मिल जाते हैं बीच में, एनीवेज मजा ही आया। बट मेरे को मजा तब तक आ रहा था जब तक मैंने नोटिस नहीं किया था कि उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था, क्योंकि मेरा एक फुल कॉन्सेंट्रेशन रोड पे रहता है। मेरे को लगा अगर ये ठूकेंगे और मेरी वजह से ठूक गए तो मर जाएंगे बेचारे, और फिर मैंने स्लो डाउन कर दी बाइक। बुलेट के साथ मत कंपेयर किया करो यार, इस ट्रैक फोकस बाइक है। अगर आप स्मॉल राइडर हो एंड सीखना चाहते हो राइडिंग इंटरनेशनल सर्किट्स में तो इस बाइक का यूज़ किया जाता है वहाँ पे। सो ये ट्रैक फोकस बाइक है, इसकी पावर जो है वो मैसिव है। सो इस बाइक के साथ कभी भी कंपेयर मत करो किसी और बाइक को, ये भाई तहलका है, राक्षस है ये बाइक, राक्षस जिसे कहते हैं। एक पकड़ती है ऐसे विद इन अ सेकंड, 3 सेकंड के अंदर ये 90 चल जाती है भाई, 3 सेकंड में आपकी जान ले सकती है, ऐसी खतरनाक मॉन्स्टर है ये। लट वगैरह के साथ मत रेस लगाया करो यार, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे को देखते हैं वो मत लगाया करो रेस प्लीज़। ये दानव है भाई, ये रावण है, फाड़ देता है सारी बाइक्स को। ये है बहुत रो बाइक, ये अपनी सेगमेंट की आरसी को भी पीछे छोड़ देती है। जो नई 390 आ रही है ना वो इसका कर ही नहीं सकती मुकाबला भाई, ये वाली जो है मेरे वाली, ये फर्स्ट टाइम पे आई थी आरसी वो है ये, एंड इसमें रो पावर है पूरा। सो अभी मैं कांगड़ा पहुंच चुका हूँ। एक्चुअली मैंने शूट वगैरह किया था आगे, फ्रेंड्स वगैरह मिले थे मेरे को, पे GoPro मेरा हैंग हो गया था एक्चुअली में, तो उसने शूट वगैरह नहीं किया है। सो अभी मैं पुराने कांगड़ा में हूँ, बाइक वगैरह यहाँ पे पार्क करते हैं। आगे किस में जाना है? स्कूटी में। अभी हम जा रहे हैं पुराने कांगड़ा की गलियों से, खतरनाक गलियों से जा रहे हैं। एंड जो कल रात का जो भी था सीन वगैरह कॉकटेल वगैरह का, तो मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया क्योंकि आप समझदार हो कि कॉकटेल में मैं दिखाता भी क्या, एंड ऐसा अच्छा नहीं लगता किसी और के घर पे शूट वगैरह करना। सो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। सो आई होप ये 9-10 मिनट का ब्लॉग बन गया हो, एंड यहीं पर मैं ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ। आई होप यू लाइक दिस ब्लॉग, तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोज एंड कीप गाइस पोस्टेड। Hear me.